क्लासिक्स का चैप्टर वन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग को मालूम है चैप्टर वन में आप लोगों को क्या पढ़ना है, किसी भी स्कूल में हो सीबीएसई बोर्ड में जो है हम लोगों को पढ़ना है नंबर्स। एंड देयर ऑपरेशन, कहीं कहीं नोइंग नंबर्स लिखा हुआ है किसी किसी बुक में, कहीं कहीं नंबर सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, बट बेसिकली हम लोगों को नंबर्स पढ़ने हैं। एंड नंबर्स का कुछ बेसिक्स जानना है। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि जो क्लास 7 का जो मैं वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कुछ बेसिक बताया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेसिक इस में पढ़ना है क्लास 6 में। तो क्लास 6 में आप लोग को आज जो हम बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे कि फिर से वही चीज़ जो 7 में बताए थे, डिजिट्स क्या होते हैं। लेकिन डिजिट्स पे इसमें ज़्यादा चर्चा होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट। उसके बाद फिर से नंबर्स क्या है और हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्या क्यों पड़ी। नंबर्स में इसमें हम लोग आज नेचुरल नंबर देखेंगे और इसके कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, नेचुरल नंबर के ऑपरेशन देखेंगे इसमें हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर एंड डिजिट, इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे छोटा डिजिट क्या कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर से आज हम लोग सीखेंगे कि कितने नंबर्स होते हैं किसी खास डिजिट के, जैसे है ना 1 डिजिट, 1 के कितने नंबर होते हैं, है ना। फिर से 2 डिजिट्स वाले, 1 कितने नंबर होते हैं, 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर होते हैं, इन सब के बारे में भी आज हम लोग सीखेंगे। अभी जो अगर नहीं समझ में आ रहा है, चैप्टर के लास्ट में हम लोग यही चीज़ सीख पाएंगे कि हाउ मेनी, ये कितने होते हैं, 1 डिजिट वाले नंबर कितना होते हैं, 2 डिजिट वाले नंबर कितना होते हैं, डिजिट क्या होता है, कैसे हम लोग इसमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट देखते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ आज हम लोग सीखेंगे जो आप लोगों को आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सबों को आता है। इसके बाद जो सबसे मुख्य जो बात होगा वो होगा ये, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक वो होगा रीडिंग, जो सबको आता है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉमा कैसे लगाते हैं, कितने डिजिट के बाद कैसे कहाँ लगता है कॉमा। उसके बाद फिर इसमें सीखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना। प्लेस वैल्यू चार्ट 2 तरह का सीखेंगे, एक होगा इंडियन और दूसरा होगा इंटरनेशनल। तो इतना ही आज के लिए टॉपिक होगा, इतना टॉपिक को हम लोग आज करते हैं और इसमें हम लोग सीखते हैं। इतना टॉपिक को आप कर लीजिएगा, हम बता देंगे, समझा देंगे, तो पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ये डिजिट क्या है,
सबसे पहले इसी का नाम आता है, ये डिजिट है क्या? देखिए शॉर्ट में हम बता दें, डिजिट जो है जब पूरा दुनिया में कुछ नहीं था, जब लोगों को नंबर काउंटिंग करना नहीं आता था, जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि जब आप छोटे थे, जब आप 1 साल के थे, तब आपके मम्मी पापा जब आपको पापा और मम्मी कहने के लिए सिखाए थे तो आपको गिनती नहीं आता था, तो आपको पता नहीं चलता था कि कितना है, लेकिन आप ये चीज़ सोचते थे कि हाँ इस घर में 5 आदमी बैठे हैं, इस रूम में 2 आदमी बैठे हैं, इस घर में 3 आदमी हैं, और कुछ आपको एक अंदाज़ा मिलता था। पुराने समय की बात है, जिस समय नंबर नहीं हुआ करता था, तब लोग ऐसे ही क्या करते थे कि कुछ जो है इस तरह से निशान बनाना चालू किए, और निशान बनाते बनाते वो निशान जो है एक बड़ा सा सिस्टम बन गया, और आज उसी सिस्टम के तहत नंबर बन गया, और नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, और उससे बड़ी बड़ी चीज़ों का आकलन करते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में एक डिजिट नाम का आदमी था, जिसकी बकरी अक्सर चोरी हो जाया करती थी, तो वो बकरी को गिनने के लिए कुछ निशान बना कर अपना बकरी को काउंट करता था इस तरह से। तो वो जब काउंट करता था, कैसे, ये निशान सुबह में ज़्यादा समय बनाता था कि कितना बार बकरी बाहर गई, एक बकरी बाहर गई, एक निशान बनाया, दो बकरी बाहर गई, दूसरा फिर निशान बनाया, इस तरह से ऐसा निशान बना देता था। शाम को वापस जाने समय में फिर से उसी निशान को कट कर देता था। जो अगर एक भी निशान बच गया तो वो समझता था कि एक बकरी उसकी कहीं खो गई है, और उसको खोज कर फिर से लाता था, और उसको फिर से इस घर में अंदर रखता था, और तब इसको भी कट कर देता था। अब उसके पास जो है ये संख्या, उसकी जो बकरियां थी उसकी संख्या बढ़ गई, बढ़ गई, तो वो क्या किया, उसने जो है कुछ दूसरा निशान बनाया, और इस तरह से बनाया, और इसका नाम वो दो रखा, मतलब दो रखा गया, और अब दो बकरी एक बार बाहर आती तब ये दो लिखता, और उसी तरह से शाम को जब एक बार में दो बकरी अंदर जाती तब ये इसको काटता। इस तरह से वो निशान बनाने लगा, और निशान बनाते बनाते वो बन गए नंबर, और इस तरह से वो निशान बनाते बनाते बना दिया एक नंबर का एक सिस्टम, जिसमें कि होते हैं कुल मिला के 10 डिजिट आज के समय में, और इनको ही हम लोग कहते हैं डिजिट। सो डिजिट के बारे में जानने के लिए हम लोग इसका डेफिनेशन कहते हैं कि वैसा चिन्ह है जो जिससे कि हम लोग नंबर बनाते हैं, उन चिन्हों को हम लोग डिजिट कहते हैं, है ना। सिंबल्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। ये कुल मिला के 10 हैं, और इन्हीं को डिजिट्स कहते हैं। एक्चुअली ये हैं क्या, ये चिन्ह हैं, इन चिन्हों से हम लोग बनाते क्या हैं, नंबर बनाते हैं। तब नंबर कैसे बना, नंबर डिजिट से बना, यानी कि वो चिन्ह से बना, ठीक है। तो नंबर में सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना होता है, ये जानना होता है कि नेचुरल नंबर क्या है, जिसको कि लोग अब बहुत ही मेहनत से सोचते हैं, नेचुरल नंबर बहुत डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेशन कुछ नहीं है इसका। इसका सिंपल जो है बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती वाले संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब गिनती वाला संख्या क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक, अनंत तक, यानी कि इसका कोई गिनती का कोई अंत नहीं है, बहुत दूर तक है। लेकिन 6th क्लास में हम लोगों को जो है
1 करोड़ तक पढ़ेंगे, इसमें अभी धीरे धीरे जाएंगे, नंबर बढ़ा देखेंगे, तो 1 करोड़ तक के नंबर्स को अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कॉमा लगाते हैं, कैसे लिखते हैं, उनसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक, डिजिट्स, नंबर्स, नेचुरल नंबर, ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट और नंबर। सबसे छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर में हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है इसका कोई मालूम नहीं है, ये अनंत तक जाता है। तो हम लोगों को इसमें जो सबसे छोटा डिजिट का है, तो इसमें सबसे छोटा डिजिट नेचुरल नंबर में कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा संख्या इसमें 1 है, यानी कि नेचुरल नंबर से सबसे छोटा होता है। हाँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1। और जो अगर पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो इसका होता है कि हमको मालूम नहीं है, इनफाइनाइट जाएगा। सबसे बड़ा नंबर का आकलन नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते, बहुत दूर तक जाता है ये नेचुरल नंबर। तो बात होती है कि ठीक है, स्मॉलेस्ट तो पता है 1 होता है, और ग्रेटेस्ट तो मालूम नहीं कि कौन होता है, लेकिन कभी कभी लिखने के लिए ये आ जाता है कि राइट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो हम लोग क्या लिखेंगे? कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है राइट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नंबर जो है 1 डिजिट का होता है, और 2 डिजिट का होता है, और 3 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है ना? तो नंबर्स अलग अलग होते हैं। देखिए, जैसे 1 से गिनती करते हैं तो 1 से लेके 9 तक की गिनती में 1 ही डिजिट होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग 10 लिखते हैं ये 2 डिजिट होता है, और 10, 11, 12, जब हम लोग 19 तक, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे, तब तक 2 ही डिजिट का नंबर रहता है। यानी कि इसमें देखिए 1 और 0 2 डिजिट है, इसमें 1 और 1 2 डिजिट है, इसमें 1 2 2 डिजिट है, 99 में भी 1 99 2 डिजिट है। और इसके बाद जब 100 लिखते हैं तो 1 2 3 अलग अलग 3 डिजिट हो गए, तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाता है। तो यही हम लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखे कि राइट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर हम लोगों को सबसे पहले तो ये जानना है कि टोटल 1 डिजिट वाला नंबर के गो है, तो 9 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे छोटा है इसमें नंबर कौन सा है? 1 है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 1 डिजिट वाला कौन सा है? तो 9 हो गया। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट का ये हुआ। अब आपको यहीं पर जो अगर बोला जाए कि राइट, यहाँ पर जैसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर बोला गया, अब उसी तरह से बोला जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, 2 डिजिट वाला नंबर जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हो रहा है? 10 से, सबसे छोटा 10 ही है, इसलिए 10 लिखेंगे। जो अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा,
तो 3 डिजिट वाला नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से शुरू हो रहा है, तो 100 लिखेंगे। फिर 4 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना होगा 1 पे 30। तो इस तरह से आप एक शॉर्टकट, ये फॉर्मूला एक आपको याद कर लेना चाहिए कि बाय द वे आपको स्मॉलेस्ट कितना भी डिजिट का स्मॉलेस्ट, बाय द वे जो है बोला जाएगा कि 6 डिजिट नंबर लिखिए, तो आप सीधा आप 1 पे 5 जीरो लगा देंगे। और वो कैसे हो रहा है मैंने आपको बताया, सबसे छोटा कैसा नंबर होता है। अब उसी तरह से ये जो है आपने सबसे छोटा संख्या सीख लिया है, अब हम लोग बड़ा संख्या सीखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर, अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर में आपको बोला जाएगा कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो इसमें आपको क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। आपको समझाए 1 से लेके 9 तक एक ही डिजिट में लिखा जाता है, तो सबसे बड़ा तो 9 ही है। अब जो अगर बोला जाएगा कि सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर, तो 2 ठो 9 है ना। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, 999। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हम लोग काउंटिंग करके निकाल सकते हैं, काउंटिंग में देख सकते हैं। आप लोग जो काउंटिंग सीखे हैं उसी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है और क्या था, हम लोग ने देख लिया स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर एंड डिजिट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ये वाला चीज़ कि 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 3 डिजिट वाले नंबर कितने हैं, और इसी तरह से जो 7 डिजिट 8 डिजिट वाले नंबर पूछे जाएंगे तो वो कितने हैं, वो जानने के लिए अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। हाउ मैनी, ये आज हम लोग निकालेंगे कि कितने हैं, कौन कितने हैं, तो 1 डिजिट वाले नंबर कितने होते हैं। देखिए बड़ा शॉर्टकट तरीका है, जिसको कि नहीं समझ में आता है वो सबसे आसानी तरीका से 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए, और उसमें से देखिए 1 डिजिट वाला कै गो नंबर है। तो 1 से लेके 100, 1 डिजिट वाला नंबर लिखने के लिए तो आप 1 से लेके 10 तक लिखिए, उसी में पता चल जाएगा। देखिए 1 से लेके 9 तक जो है 1 डिजिट वाला नंबर है, आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 डिजिट वाला नंबर टोटल कै गो है, 9 गो है। तो इस तरह से आप 9 लिख दिए। अब है कि 2 डिजिट वाले नंबर कितने होते हैं, दो डिजिट वाले नंबर कितने होते हैं, इसको जानने के लिए आप आराम से जो है 10 से लेके और 99 के बीच का नंबर को गिनिए, आपको पता चल जाएगा। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखिए और उसमें काउंट कर लीजिए कि 10 10, ये यहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3 है ना, 4 5 6, इस तरह से 99 तक काउंट कर लीजिए कि कितना है। ये आपको काउंटिंग करने के बाद पता चलेगा कि ये कुल मिला के ऐसे ऐसे नंबर 90 हैं। क्यों 90 हैं, इसको कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीका से, वो भी सीखेंगे। ऐसे आपको बता दें 90 कैसे हुए। देखिए 99 तक होता है दो दो डिजिट वाला नंबर, 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट वाला नंबर होता है। तो 99 कहाँ से, 1 से लेके 99 तक काउंटिंग में 99 हुआ, तो 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट वाला था, तो इतना ख़त्म हो गया, तो 9 को ख़त्म हो गया, 99 में से 9 घटा दिए तो कितना बच गया, 90 बचा। तो ये तो हो गया, लेकिन 2 डिजिट वाले नंबर जो है कुल मिला के 90 होते हैं।
अब 3 डिजिट वाले नंबर अब कितने होंगे वो भी निकालना है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि 2 डिजिट वाला नंबर टोटल 90 होता है। अब 3 डिजिट वाला नंबर हम लोग को देखेंगे कि क्या वो होता है, तो हम तो जानते हैं लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा गिनती कहाँ से कहाँ तक। आप लोग जानते हैं 3 डिजिट वाला नंबर 100 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। तो यहाँ तक काउंटिंग लिखना पड़ेगा और गिनती करना पड़ेगा, तो ये पता चलेगा आपको कि टोटल 900 होता है। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे? बाय द वे, यहाँ तक तो लिखना था 3 डिजिट वाला नंबर, तो गिनती लिख लिए 1000 तक और उसना उतना लिख के और जो है निकाल लिए। बाय द वे, कहा जाएगा कि 5 डिजिट वाला नंबर के गो होता है, तो 5 डिजिट वाला नंबर में आपको गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखना पड़ेगा। 5 डिजिट वाला नंबर कहाँ शुरू होगा? 1 पे 1 2 3 4, है ना, ये यहाँ से शुरू होके और कितना हो जाएगा, 99,999 यहाँ तक। तो इतना बड़ा गिनती लिख कर गिनना पड़ेगा जो कि बहुत ही कठिन है। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि कैसे निकाला जा सकता है, उसको हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे निकालें। जो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट वाला नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसके लिए आप ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिख दीजिए। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर जो अगर आप लोग लिखिएगा तो कितना होगा, 99। उसके बाद इसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 10। और इसको फिर क्या कीजिए कि दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस दोनों को घटा के निकालिए कितना होगा, 99 माइनस 10 कितना होगा, 89 होगा। 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8। और आप इसमें क्या कीजिए कि ऐड करिए 1, है ना, नीचे में टोटल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 89 प्लस 1 कितना हो गया, 90, जो कि हम लोग गिनती से निकाले थे तो आया था। तो इस तरह से 2 डिजिट वाला नंबर निकाल लिए आप। ये यही फॉर्मूला जो है हर जगह लगा सकते हैं। आपको बस जैसे ये बोले कि 900 आएगा, ये कैसे आएगा, इसका भी उसी तरह से है। इसमें भी हम लोग निकाले, सबसे पहले जो है निकालना पड़ेगा कितना 3 डिजिट वाला नंबर है टोटल, तो उसके लिए हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999 होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100। और इस दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि घटाओ। डिफरेंस जहाँ भी निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कहा जाए वहाँ पर क्या करिएगा, घटाओ। तो ये घटाएंगे तो घटा कर कितना आएगा, 899। और इसमें ऐड करेंगे 1, है ना। नाउ टोटल 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 899 प्लस 1, तो 9 और प्लस 1 10 का 0, 9 प्लस 1 10 और 8 प्लस 1 9, तो इस तरह से 900 आया। तो आपको पता चला कि किस तरह से कितना होता है, 2 डिजिट वाला नंबर के गो होता है, 3 डिजिट वाला नंबर के गो होता है। निकालने का तरीका यही है कि पहले बड़ा लिख दीजिए, बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट लिख दीजिए, उसको घटा दीजिए, घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि
कितना नंबर टोटल उतना डिजिट का होता है। ये तो हम लोग सीख लिए कि हाउ मैनी है ना, कितने होते हैं, एक डिजिट वाले, दो डिजिट वाले, तीन डिजिट वाले, चार डिजिट वाले भी आप निकाल सकते हैं, पांच डिजिट वाले भी निकाल सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग का क्या अंतर है, कैसे क्या करते हैं, ये सीखते हैं। उसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक रीडिंग एंड राइटिंग प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से ये छोटा से बड़े बड़े नंबर की तरफ हम लोग इसको काउंट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह से नंबर रहेगा 31 39 37 34 34। आपको इसको ये नंबर आपके पास है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना रहेगा। आप क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 30 है, 30 को पहले लिखेंगे, फिर से 31 को लिखेंगे, 31 के बाद सबसे छोटा और कौन है, और 34 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 39 है। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और इस तरह से हम नंबर को सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के बाद दूसरा जो है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो अगर हम लोग इसी नंबर को सजाएं ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ तो क्या होगा, सबसे बड़ा इसमें देखेंगे नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 39 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 34 है, फिर 31 है, और तब 30 है। इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग यानी कि बड़ा से छोटा यानी कि घटते क्रम में नंबर को सजाते हैं। आप लोगों को मालूम है ये बात कि ये जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है और फेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। फेस वैल्यू यानी कि चेहरा का मान, तो यानी कि चेहरा का मान कभी बदलता है, जो आदमी बाय द वे कोई राहुल है, कोई सोहन है, कोई मोहन है, तो वो वही रहता है। यानी कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, है ना। जैसे अब इसमें कोई नंबर दे देते हैं यहाँ पर 349, इसमें जो अगर आपको कहा जाए कि 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का चेहरा कैसा दिखता है, 3 का चेहरा 3 के जैसा दिखता है। फेस वैल्यू जिस नंबर का पूछा जाए उसका वही नंबर लिख देना चाहिए, फेस वैल्यू सेम टू सेम हो जाता है। 3 का फेस वैल्यू 3, 4 का फेस वैल्यू 4, 5 का 9 का प्लेस वैल्यू 9, कोई अंतर नहीं। लेकिन जो अगर पूछा जाए प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 का प्लेस वैल्यू यानी 3 का जगह का नाम क्या है, तो 3 के जगह का नाम क्या है, 3 के जगह के नाम 3 के जगह का नाम है 100। आप लोग ये सीखे हैं कि किस तरह से हम लोग यूनिट, टेंस, 100 ये काउंट करते हैं, तो ये 100 पे आता है, इसीलिए ये इसका प्लेस जो है 3 का प्लेस जो है 3 का प्लेस क्या हो गया, 100 हो गया। यदि 4 का प्लेस पूछा जाए, 4 का प्लेस कौन सा है, तो वंस टेंस, ये हो गया 10 10 हो गया, है ना, टेंस। और 9 का प्लेस क्या है, तो ये हो जाएगा वंस, तो वंस टेंस 100, इस तरह से प्लेस हुआ। और फेस वैल्यू तो सेम का सेम वही रह गया। और देखिए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम नंबर एक लिख रहे हैं 3 5 2 1 7 4, ये नंबर लिखें, तो इसमें सारे जगह का नाम क्या क्या है आप जानते हैं, ये आप जानते हैं बिल्कुल, 1 10 100
10,000, उसके बाद लैक। सो आप लोग ये जगह का ये नाम है इसको आप लोग जानते हैं पहले से, और इस तरह से काउंटिंग भी करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, और भी होता है, लेकिन हम लोग करोड़ तक का भी सीखेंगे। और इसमें हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है, इससे हम लोगों को पूछा जाता है कि कितना हज़ार में कितना लाख होता है और कितना लाख में कितना हज़ार होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में आएगा। तो पहले अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, ये तो हो गया, इसमें लाख, उसके बाद लाख के बाद सपोज करिए कुछ और नंबर एक हम लोग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 10 लाख। ये सब हम लोग इंडिया में काउंट करते हैं, ये इंग्लिश का सिस्टम नहीं है। इंग्लिश इस तरह से इंटरनेशनल भाषा है, उसी तरह से एक पूरे दुनिया में काउंटिंग करने का एक अलग तरह का सिस्टम है, जिसमें कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 तक सेम रहता है, लेकिन थाउजेंड के बाद उसमें लाख नहीं होता है, करोड़ नहीं होता है। वो ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये इंडियन सिस्टम कहलाता है। और दूसरा जो सिस्टम होता है, जो पूरी दुनिया में सब लोग को मालूम होता है और सब लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से इंग्लिश सब लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद 10,000, टेन थाउजेंड के बाद 100,000, हंड्रेड थाउजेंड के बाद मिलियन। यानी कि यहाँ देखिए क्या हुआ कि इधर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 तक सेम रहा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक सेम रहा, लेकिन जी इसमें जो लाख होता है इसमें क्या होता है, 100,000 होता है, और इसमें लाख के बाद जो होता है क्या होता है, करोड़, इसमें होता है मिलियन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इंडियन सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, दो सिस्टम है और दोनों में जगह का अलग अलग मान होता है। हम लोग इसको और आसानी से समझते हैं, सपोज करिए एक नंबर लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड, तीन डिजिट के बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद थाउजेंड, 10,000, दो के बाद कॉमा देते हैं, फिर लाख, 10 लाख, उसके बाद कॉमा देते हैं, और तब करोड़। तो इस तरह से हम लोग इसमें हम लोग हमेशा इंडियन सिस्टम में दो दो का ग्रुप लेते हैं, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता है, लेकिन वंस, टेंस, हंड्रेड तीनों एक साथ होता है। तो ये चीज़ होता है इंडियन सिस्टम, यानी कि इंडियन सिस्टम में पहला तीन डिजिट के बाद कॉमा पड़ता है और उसके बाद दो दो के बाद हमेशा आगे कॉमा पड़ते जाएगा। लेकिन यही इसी नंबर को जो अगर हम लोग इंटरनेशनल में लिखें, तो पहले में वंस, टेंस, हंड्रेड, ये कॉमा, उसके बाद थाउजेंड, 10,000, 100,000, उसके बाद लाख, अब लाख तो होता नहीं है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तब फिर कॉमा, यानी कि इसमें हमेशा तीन 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 के बाद ही कॉमा देते जाएंगे। तो कॉमा देना आया, कॉमा देने के लिए इंडियन सिस्टम यदि कॉमा देने के लिए कहा जाए, तो पहले में तो तीन के बाद कॉमा देंगे, लेकिन उसके बाद हमेशा दो दो के बाद कॉमा देते जाएंगे। लेकिन यदि इंटरनेशनल में कॉमा देने के लिए कहा जाए, तो इसमें हमेशा तीन तीन डिजिट के बाद कॉमा देंगे,
इसका हम लोग चार्ट देखते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है। ये पकौड़ा वाला चार्ट से बिल्कुल अलग होता है। इसमें हम लोग इस तरह से चार्ट बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे 10,000, उसके बाद लाख। ये इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, जो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये जो नंबर था, ये वाला जो नंबर है 1352174, इसी को हम लोग सजा कर देखते हैं। 1352174, इसको हम लोग काउंट करें, वन टेंस हंड्रेड, तो ये 3 डिजिट हो गया, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, 10 लैख का भी कॉलम बना देते हैं, TL, 10 लैख। वंस के जगह पे इसको 4 को रखेंगे, टेंस के जगह पे 7 को, हंड्रेड के जगह पे 1 को, 1000 के जगह पे 2 को, और 10,000 के जगह पे 5 को, लैख के जगह पे 3 को, और 10 लैख के जगह पे 1 को। तो इस तरह से ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। इस तरह से हम लोग सजाते हैं नंबर को। और इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग देखते हैं। ये कॉलम मेरा थोड़ा इधर उधर बन गया है, आप लोग बराबर बराबर साइज का बनाइएगा। अब है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में बस इसी तरह से रहता है। आपको जैसा कि ऊपर में डिफरेंस बताए थे कि 1000 के जगह पे, सॉरी 1000 के जगह तक सेम रहता है, और उसके बाद फिर अलग हो जाता है। इसमें बराबर बराबर साइज का कॉलम बनाएंगे ऊपर में, क्योंकि गलती हो गया था। इसमें शॉर्ट में भी लिखेंगे। देखिए यहाँ से वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। अब इसी नंबर को हम लोग सजाते हैं, है ना। इसमें नंबर हम लोग लिख लेते हैं वन, कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर लिखें, लेकिन लिख भी सकते हैं। इधर इस तरह कॉलम बना सकते हैं, 1352174, इसमें तीन तीन के बाद कॉमा, 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, 1 2 3, इसमें कॉमा। तो अब यहाँ पे इस तरह से इसको सजाएंगे, सारा चीज़ सेम रहेगा, बस नाम ऊपर चेंज हो गया। तो वंस की जगह पे 4 7, फिर 1 2 5 3 1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 10 लाख हुआ था और यहाँ पे 1 मिलियन हुआ। इसे क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि 1 लाख में कितना 1000 होता है, तो 1 लाख में कितना 1000 होता है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 लाख में कितना 1000 होता है, तो आपको ऐसे आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 1 लाख में कितना 1000 होता है, तो आपको 1 लाख पहले लिखना चाहिए, काउंट करके देखते हैं। वन टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, ये 1 लाख लिखा हुआ है।
है ना। अब इसमें पूछा ये कितना हजार लिखा हुआ है, आपसे अगर पूछे तो क्या कहिएगा, वन्स, टेंस, 100,000, 10,000, उसके बाद 10,000 के बाद कितना काउंट कर सकते हैं, 100,000। तो इस तरह से आप इसका 1 लाख में कितना, 1 लाख में कितना थाउजेंड होता है आप लिख सकते हो, 100,000। उसी तरह से आपको जो अगर पूछा जाए कि 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो आप 1 मिलियन पहले लिख लीजिए, आपको ये चार्ट भी मालूम है, इससे आप लिख लीजिए पहले, है ना। 1 मिलियन यहाँ पर है, देखिए मिलियन के सामने लिख लीजिए, ये 1 मिलियन हो गया। अब 1 मिलियन में अब पूछा जा रहा था कि कितना लाख होता है, तो इसको लाख में गिन के देखेंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो इस तरह से यहाँ से भी देख सकते हैं कि 10 लाख जहाँ पे होता है वहाँ पे मिलियन लिखा जाता है, इस तरह से यहाँ पे आप सपोज कर लिख सकते हैं 10 लाख। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाएंगे आपसे कि जब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में जब एक जोड़ेंगे, व्हेन वन एडेड टू ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो क्या होगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। यानी कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में एक जोड़ देने से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर वो बन जाता है। कुछ नंबर आएंगे जो आएंगे इससे प्लेस को चेंज करके डिजिट बनाने से, जैसे 3, 5, 2, ये आपका 3 डिजिट दिया हुआ है, इससे आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना पाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह से 532 ये आपका जो है सबसे बड़ा नंबर बन सकता है, ये 3 डिजिट को मिला के। और जो अगर पूछा जाएगा कि इनसे सबसे छोटा नंबर कौन सा बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का कौन सा बना सकते हैं, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, 2, 3 और ये 5, सबसे छोटा नंबर ये हुआ। और आपसे पूछा जा सकता है ये 3 डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हो, तो आप इंटरचेंज करके, शिफ्ट करके प्लेस को इधर से इधर, इधर से इधर, आप बहुत सारे मतलब कुल मिला के 6 नंबर आप बना सकते हो। देखो किस तरह से ये 2 डिजिट, 2 नंबर बन गया। अब देखो फिर से मैं बना रहा हूँ, 3, 5 और 2 है, तो इसको सबसे पहले 352, उसके बाद है 325, उसके बाद 232, 235, फिर से 253, उसके बाद 523 और 532। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6 नंबर आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि आप सबसे छोटा नंबर कौन सा बना सकते हो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हो, या मैक्सिमम कितना नंबर आप इंटरचेंज करके एक ही बार यूज़ करके डिजिट को बना सकते हो। तो ये था आज का एक्सरसाइज, आपका पहला चैप्टर का बनेगा पहला एक्सरसाइज, और भी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट क्लास में।